नाज़िम टीपू सुल्तान लालपुरिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। एक और सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाते हुए नाजरी मेलबर्न की जानी पहचानी मानी तूफानी शख्सियत जनाब हसन भाई इम्पेकेबल कोरियर। यस जिंदाबाद सर। हसन भाई मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ आपका वेयर हाउस देख के, माशाल्लाह ह्यूज आपका बिजनेस सेटअप देख के। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज ये हो गया हूँ क्योंकि जेड़ा देसी ऑस्ट्रेलिया आएगा ना जी वो यहाँ ग्रोसरी की दुकान खोलेगा या रेस्टोरेंट खोलेगा, ये आपने किस तरह कोरियर इम्पेकेबल कोरियर बल्ले बल्ले कर दिया आपने जी, समथिंग वेरी डिफरेंट। कैसे ये जर्नी शुरू हुई? बैक इन 2016 कुछ दोस्त काम कर रहे थे गाड़ियों का जी, पाकिस्तान इम्पोर्ट का। अच्छा। तो आस्क मी के ऑस्ट्रेलिया से गाड़ियां चाहिए, तो आई वाज जैसे आपने कहा कि कोई बंदा नहीं है फ्रेट में, कोई बंदा नहीं है कोरियर में, तो इट वाज हार्ड। लेकिन अगेन आई स्टार्ट टू बाय कार, हाउ टू सोर्स कार, उनकी क्लियरेंस कैसे करानी है, उनको भिजवाना कैसे, ऑल द प्रोसेस आई हैड डन विद द हेल्प ऑफ माय फ्यू माय फ्रेंड जो कि जापान से काम कर रहे थे। अच्छा। देन ऑनवर्ड हमें गाड़ियां भेजना शुरू कर दी रेगुलर बेसिस पे। ठीक। देन आई विजिटेड पाकिस्तान, मेरे फैमिली करती है कतर से। अच्छा। यही काम और सऊदीया से। अच्छा, तो आपका फैमिली बिजनेस है? यस, फैमिली बिजनेस है। सो देन वो देख के मैं ऑस्ट्रेलिया जब नेक्स्ट टाइम आई केम बैक, तो मैंने कहा कि मैं लोगों को बहुत प्रॉब्लम है सामान लेके जाते हुए, हमारे पास लिमिटेड सामान था, एक्सेस बैगेजेस थी जी, तो एक्सेस बैगेजेस को देखते हुए लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड की कि वो कंटेनर में हम मुझे सामान दें, हम उनके घर से पिक करें और पाकिस्तान में उनके घर पे ड्रॉप करते हैं। तो दैट्स आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, हर मंथ हमारा कंटेनर जाता है। वेरी पॉजिटिव रिस्पांस। यस, पॉजिटिव रिस्पांस, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर कम्युनिटी इज वेरी गुड। यस, देन हमने नेक्स्ट स्टेप हमने एयर कार्गो स्टार्ट किया कि जैसे हम देखते हैं कि लोग DHL यूज कर रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देन लोग स्काईनेट की सर्विस यूज कर रहे थे, नॉट अ पाकिस्तानी कंपनी, लोग समझना पाकिस्तानी कंपनी है, बट दे आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया। देन देर आर अदर ऑप्शन के किसी नेटवर्क को यूज करें, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी अथेंटिक ऐसी वो सर्विस थी नहीं। देन वी स्टार्टेड ऑस्ट्रेलिया क्लियरेंस जी 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 एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाउ वी गॉट द अलायंसेस कि हम एयरपोर्ट से खुद पिक कर सकते हैं, कस्टम के एजेंट हैं हम फॉर बॉन्डेड वेयर हाउस, क्वारंटीन एंड कस्टम इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। आपका माशाल्लाह मैंने देखा पूरा सेटअप है जी, किस तरह जरा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा क्या होता क्या है यहां पे। दिस वेयर हाउस जितना भी आप एरिया देख रहे हैं 1100 स्क्वायर मीटर, ये बॉन्डेड वेयर हाउस है, क्वारंटीन की प्लेस है ये, कोई भी चीज यहाँ पड़ी है वो क्वारंटीन के लिए वो यहाँ हो सकती है। आप आगे देखेंगे MXU यूनिट है हमारा, एनीथिंग स्कैनिंग एंड दैट दे ब्रिंग द कार, जिसमें स्कैनिंग होती है जो आप एयरपोर्ट पे देखते हैं। अच्छा। ये कस्टमर आ रहे हैं, ये आएंगे 104 लीटर के बॉक्सेस जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो ड्रॉप करेंगे। अच्छा। जिस कंट्री के लिए वो ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए वो सारी डिटेल मेंशन होती है, कस्टमर ने लिखी होती है, सेंडर रिसीवर डिटेल सारी मैंने जो लिखी होती है उसको हम पाकिस्तान लेके जाना है, इंडिया लेके जाना है, जिधर भी लेके जाना है उधर ही लेके जाके लड़का रख देता है और वो उसकी प्रॉपर नंबरिंग होके जो नेक्स्ट कंटेनर जाता है उसमें चला जाता है। असल भाई कौन कौन से मुल्कों में आप जो कार्गो कोरियर अरेंज करते हैं? पाकिस्तान। अच्छा। ये ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान बाय सी। बाय एयर अगर भेजेंगे, लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि बाय एयर सामान भेजना है, लेकिन बाय एयर बहुत ज्यादा ड्यूटी चार्ज होती है क्योंकि हम कस्टम एजेंट हायर नहीं कर सकते हर एक शिपमेंट के लिए जी, और जी। पाकिस्तान कस्टम अनएक्सपेक्टेड ड्यूटीज चार्ज करता है। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। इंडिया भी इसी तरह मंथली हमारी शिपमेंट्स जाएंगी जी। बांग्लादेश हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर से,
इंडिया भी 15 सितंबर से, ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश सामान जाएगा, कस्टमर के घर पे डिलीवर होगा। ठीक है। श्रीलंका हम काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया पिक करते हैं, श्रीलंका ड्रॉप होता है उनके घर पे। वंस द पार्सल अराइव टू ऑस्ट्रेलिया, जो भी फ्लाइट होगी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, दुबई से, ये बाय एयर की बात, बाय एयर की बात करें, इम्पोर्ट की जी, हम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कोरियर पार्ट है, जो हमारा इम्पोर्ट करके कस्टम क्लियरेंस करवाना, लॉजिस्टिक्स एयरपोर्ट से मूव करके बॉन्डेड वेयर हाउस में करना, बॉन्डेड वेयर हाउस की सर्विसेज, अगर कस्टम हेल्ड है तो कस्टम हेल्ड के अंदर रखना, कस्टम को स्कैनिंग करवाना, आपने सुना होगा क्वारंटीन हेल्थ, क्वारंटीन कराना, ये सारा प्रोसेस हम करते हैं। बेसिकली कस्टमर किसी बात की वरी करने की जरूरत नहीं है, हम एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान में हम कस्टम ब्रोकर नहीं, हम कस्टम ब्रोकर यूज करते हैं जी जी, लेकिन अदर देन दैट हमारा ऑफिसेज हैं कराची में, इस्लामाबाद में। सो आई स्टार्टेड माई सेल्फ, डेफिनेटली जर्नी इज नॉट ईजी, कोई भी चीज आपने ओवरसीज भेजनी है इन एनी कंट्री जी जी जी, हम कंटेनर अरेंज करते हैं शिपिंग लाइन से आपके घर पे, ट्रांसपोर्ट घर पे, वेयर हाउस पे, कहीं पे भी कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर आप फिल कर लेंगे, हम ट्रांसपोर्ट शिपिंग लाइन को भेज देंगे, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो ये सामान जा रहा है मलेशिया, ये मलेशिया जा रहा है हमारे मलेशिया के कस्टमर्स का। जब भी किसी कस्टमर को सामान भेजना है पाकिस्तान, हमारे फेसबुक पेज पे जाए, हमारे वेबसाइट पे जाए, बुकिंग फॉर्म फिल कर ले, कस्टमर वो फिल करके रेडी कर देता है, या हमें ईमेल में रिप्लाई कर देता है, या पिकअप डेट पे हमारे ड्राइवर को दे देता है। नाउ जब पिकअप होता है तो हमारे शेड्यूल टाइम के मुताबिक ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, या हम थर्ड पार्टी कोरियर को यूज करते हैं, या हम खुद पिक करवा के जी जी, सारा सामान हमारे वेयर हाउस में आ जाता है बिफोर द डेट ऑफ द शिपमेंट। मंथली शिपमेंट होती है, क्योंकि ये बॉन्डेड वेयर हाउस तो हमें एक एक पॉइंट Everything is covered, covered in this video and recording है 45 days की हमें custom के लिए रखनी है। E-commerce के business के जो हमारे लोग हैं, बहुत सारे लोग सियालकोट से e-commerce का business start कर सकते हैं। They don't think about it, they कर सकते हैं। Sports के equipment, e-commerce, everything, not only just guys। मैं हर एक को एक बात बोलता हूँ, not only cricket। जैसे आपने बात स्टार्ट की, जब आपने स्टार्ट की तो आपने कहा कि देसी कुछ, हम पाकिस्तानी देसी कुछ एक टिपिकली चार पांच बिजनेस कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आना है, जो आपने किया आउट ऑफ द बॉक्स है। तो सेम आई आस्क एवरीवन, नॉट ओनली क्रिकेट के बैट, सीए के बैट नहीं, हर स्पोर्ट करें, आपको इतना कस्टमर मिलेगा, इतना कस्टमर मिलेगा, यू वुडन बी एबल टू फुलफिल इट। लॉजिस्टिक्स इज ऑन मी जी जी, आप जी, काम करें, कस्टमर लें, उनको डिलीवरी करना, एंड टू एंड इज आवर जॉब। ब्यूटीफुल नाज़रीन, अगर आपने सामान मंगवाना है, सामान भेजना है, अगर आपने पाकिस्तान मूव करना है फिर वापस आना है तो जनाब हसन भाई को आप अपॉर्चुनिटी दें, he will look after all your aspect of cargo inshallah and very affordable competitive price. To ji hazir bhai, impeccable courier, zindabad। जुड़े रहिए टीपू सुल्तान लालपुरिया के YouTube चैनल के साथ, जुड़े रहिए। अगर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जुड़ जाइए।